अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के एटीएम कमेटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्द हुई। हर साल की तरह इस साल भी माल डिग्री के रॉयल गार्डन और फेमस फंक्शन हॉल में अतार तांबोली मनियार सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्द हुई। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मैं एटीएम कमेटी नांदेड़ के जानिब से कुछ बातें करना ये चाहता हूँ कि मैं हमारी एटीएम कमेटी तकरीबन नांदेड़ शहर के अंदर तकरीबन 9 साल से काम कर रही है और इस बार ये सातवीं मरतबा हम इज्तिमाई हो चुकी। सातवीं बार इसलिए कि पिछले 2 साल लॉकडाउन में गए 2020 और 2021, इसीलिए वो रोज वहाँ पर डिसकन्टिन्यू हो गया था, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारे एटीएम कमेटी का मकसद ये है कि उम्मत के अंदर सादगी, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबक सिखाया, वो सादगी पसंद, तो हम भी सादगी इख्तियार करना चाहते हैं और पूरा मैसेज ये देना चाहते हैं कि सादगी के अंदर हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शिफा हमारे साथ है। और अल्लाह ताला ने भी हमको हुक्म दिया है कि बिला फजूल खर्चे करना और शैतान के भाई बिरादरी में से है, वजह कोई फजूल खर्ची नहीं करते हुए सादगी से यहाँ पे अर्थ बढ़ाए और दुल्हा दुल्हन को तोहफे की शक्ल में तकरीबन 100 चीज़ें यहाँ पर दी गई, जिसमें बड़े बड़े आइटम कहा गया तो गोदरेज कपाट है, अलमारी है, कूलर है, मिक्सर है और उसके साथ दीगर चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी है दुल्हा दुल्हन को तोहफे की शक्ल में दी गई। हमारा आगे भी मकसद है कि एटीएम के अलावा भी अभी इस मेलावे के अंदर खाली एटीएम के ही लोग नहीं है, बल्कि एटीएम के बाहर के भी दुल्हा दुल्हन है जिनकी हमने आज शादी की। हम आगे ये भी इरादा रखते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी हम यहाँ पर शादी करना हमारा मकसद है, क्योंकि उनके अंदर भी गुर्बत भरे लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी इसमें शिरकत करें, लेकिन माश की वजह से हम ये काम को रोके रखा है। इंशाल्लाह जब माश आ जाएंगी तो हमारे हिंदू बिरादरी भाई को भी हम यहाँ पर बुला के काम करेंगे इंशाल्लाह। और इस तकरीब में 8 जोड़े रिश्ते अज़्वाज में मुंसलिक हुए। तमाम जोड़ों को एटीएम कमेटी की जानिब से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तोहफे में दिया गया। एटीएम कमेटी की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो चुके हैं और हर काम, जैसे हमने स्टेज के ऊपर बात रखी कि बहुत से एक्टिविटीज़ है हमारी, उसमें से एक शादी मेलावे की भी एक्टिविटीज़ है। और जैसा सर ने सारी बातें बताई कि अगर से इंशाल्लाह ताला हमको ताउन अच्छे से मिलता रहा और जो जितने भी जोनल जो हमारे काम करते और जो हमारे साथ में जो टीम वर्क में जो जो लोग रहते और हमारा एजुकेशन फील्ड के अंदर भी जो लोग ताउन करते, पंच कमेटी के अंदर भी हमको जो वक्त ताउन करते, इन सब की तरफ से और आने वाले तमाम मेहमान और तमाम उम्मत की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 8 शादियाँ हुई है, जिसमें 2 सुबह में हुई थी, कुछ उनके मसले थे, उसको हमने अपने शादी में उनको शामिल करते हुए अपने सारे जहेज़ वगैरह खाने का जो भी हमारा सारा जो सिस्टम है उसमें उनको हमने शामिल किया, जिसमें से 6 शादी के जो दूल्हे थे स्टेज पे थे हमारे। माशाल्लाह 26 जून बरोज़ बुध बाद नमाज असर टीएम के नाम से यहाँ पर एक कमेटी कायम की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लेकिन फुल फॉर्म इसका यह है, अतार तंबोली और मनियार, ये 3 तबके हैं और तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और 12 साल से 11 साल से एक लोग काम कर रहे हैं। अभी तफसील से मालूम ये हुआ कि ये इज्तिमाई शादियों के साथ में मेडिकल कैंप भी चलाते हैं, ट्यूशन के लिए भी बच्चों के लिए काम करते हैं, कोरोना में बहुत सारे रिफाई काम किए माशाल्लाह, यही नहीं खतना कैंप भी किए माशाल्लाह, गरीब गुरबा के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। ये तबका यकीनन पिछड़ा है लेकिन के काम देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं तमाम परवानी हिंगोली और अतराफ जितने भी बरादरी के लोग हैं, मैं तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि ये एटीएम के जितने भी रुफ़ा है, जो कमेटी के जो लोग हैं, ये मुखलिसीन हैं, जब भी आपके पास कोई काम के लिए अगर आपके पास कोई इल्तिजा करे तो इनका भरपूर ताउन करें, इसलिए कि इनके काम आज तकरीबन 2000 लोगों ने बैठ कर सुने हैं और समझे हैं। माशाल्लाह इनके कामों को सराहा गया और मैं तो दिल चाह रहा था कि वो तमाम लोगों का जो इस्तकबाल करूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया माशाल्लाह, और बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा
और गरीबों के घरों को बसाना ये मुँह का खेल नहीं है। उनको हर चीज़ देकर उनके घरों के अंदर जो मुस्कान नहीं थी उसको मुस्कान को पैदा करना, खुशियां बिखरना, ये बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर काजी रफीक साहब और उलमा करम की टीम, हमारे वसीम साहब और बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनतें की है। हफीज जावी साहब खासकर आज नज़र नहीं आए, लेकिन वो भी माशाल्लाह इससे जुड़े हुए हैं। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इसका अभी तान भी करें और दामे दरमे कदमे सूखने और इनके साथ कंधा बा कंधा हम लोग भी हैं, इंशाल्लाह पूरा समाज भी है। अल्लाह ताला इस होने वाले प्रोग्राम को भी इंतहा कबूल फरमाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है डीएमएलटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी जीएनएमए ओटी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत, 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिम कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेग्री रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।